नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके ज्ञान में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। बेसिकली मेरे वीडियोस टेली प्राइम पे अकाउंटेंसी रिलेटेड टेक्निकल वीडियोस और GST के रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। GST पे मैंने अभी फिलहाल एक वीडियो अपलोड किया है, आपको उस पर आगे भी वीडियोस मिलते जाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे आज नए आए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने के साथ आप ऑल पे क्लिक कर देंगे तो आपको आने वाले मेरे वीडियोस तुरंत आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। जी हाँ, टैली प्राइम के अंदर अगर हमें जर्नल वाउचर पास करना हो तो वो कैसे करेंगे और जर्नल वाउचर कब बेसिकली बनाया जाता है वो हम देखेंगे। हमें कब नीड होती है कि हमें जर्नल वाउचर की एंट्री करनी है, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। जर्नल वाउचर क्या होता है दोस्तों? जर्नल वाउचर के अंदर अगर आप किसी हमारे अपने टैली के इंटरनल बुक्स में कोई एंट्री एक लेजर से दूसरे लेजर में शिफ्ट करना चाहें तब आप पास कर सकते हैं। कोई अमाउंट आपको ड्यू करना है एक लेजर से दूसरे लेजर में तब आप पास कर सकते हैं। कोई डिस्काउंट को आपको एडजस्ट करना हो, डिस्काउंट को लेना हो, जीरो करना हो तब आप पास कर सकते हैं। और कोई सपोज कीजिए आपने किसी को लोन दिया हुआ है या किसी से आपने लोन लिया हुआ है तो उनका एक लोन अकाउंट आपके यहाँ बना हुआ होगा और उस पर आपको मंथली इंटरेस्ट पे करना होगा। तो आप इंटरेस्ट पे ना करके वो इंटरेस्ट मंथली बेसिस पे ड्यू कर देते हैं, उसके लिए भी आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, डिस्काउंट अगर देना हो हमें तो हम कैसे देंगे? तो मान लीजिए आप किसी से आपने किसी से कुछ आइटम को बता देता हूँ। हमने सपोज कीजिए जैसे यहाँ पे हमारा एक लेजर खुला हुआ होगा श्याम एंड कंपनी, इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, हम दूसरा कोई ले लेते हैं। हाँ जी, सुरेश एंड कंपनी। हमने सुरेश एंड कंपनी से 21,000 रुपये का माल परचेस किया, ठीक है। अब हम इनको पेमेंट कर रहे हैं। सपोज कीजिए आपने इनसे मटेरियल परचेज किया है 2nd of May को और 15 डेज के पीरियड में आपको उनको पेमेंट करना है, तो आप पेमेंट करिए सबसे पहले। अब पेमेंट को करने के लिए आप बाहर भी जा सकते हैं वाउचर के, यहाँ से विंडो से आप बाहर जा करके वाउचर प्रेस वी प्रेस करके आप F5 से भी जा सकते हैं, और यहाँ अगर आप डायरेक्ट भी हो तो आप Alt A प्रेस करके डायरेक्ट भी जा सकते हो। यहाँ आकर के आप F5 प्रेस कीजिए। तो सुरेश एंड कंपनी को हमें पेमेंट करना है। मान लीजिए हमने उनको पेमेंट किया 20,000 रुपये का, ये हमने उनको पेमेंट किया है 15/5 को। तो आपको सुरेश एंड कंपनी को करना है डेबिट 20,000 रुपीज़। ये एडजस्ट हो गए, ये अगेंस्ट रेफरेंस और न्यू रेफरेंस का एक बनाया हुआ है, इस पर भी मैंने एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाया हुआ है कि हम अगेंस्ट रेफरेंस और न्यू रेफरेंस को कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप वो प्लेलिस्ट में टैली ट्यूटोरियल की प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये 20,000 एडजस्ट हो जाते हैं, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में हमने 20,000 रुपीज का पेमेंट कर दिया। अब दो तरीके से आप उनका अकाउंट को निल कर सकते हैं। पहले तो इस एंट्री को अपन सेव कर देते हैं, ये एंट्री यहाँ पे सेव हो जाती है। अब देखिए हमने इनको पेमेंट किया 20,000 रुपीज़ से और रिमेनिंग बच गया 1,000 रुपीज़। अब ये 1,000 क्या है? हो सकता है ये डिस्काउंट हो। हमने पार्टी से बात की और उन्होंने हमें कहा कि ठीक है, आप 21,000 में से 20 का पेमेंट कर लीजिए और रिमेनिंग को आप डिस्काउंट में कर लीजिए। हमने आपको डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट देने के लिए हमें क्या करना होगा? ऑल्ट ए प्रेस कर लीजिए, F7 में आ जाए, रेफरेंस नंबर जो भी आप देना चाहें, नहीं भी देंगे तो चलेगा। ऑटो रेफरेंस नंबर 1 आ रहा है ऊपर, तो यहाँ पे आप सुरेश एंड कंपनी को अगेन डेबिट 1,000 रुपीज डिस्काउंट, ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया। और यहाँ पे आप डिस्काउंट का एक लेजर बना लीजिए, डिस्काउंट अकाउंट। डिस्काउंट का लेजर बनाने के लिए क्या किया मैंने? Alt+C किया। आप बाहर जाके लेजर बनाए, इससे अच्छा शॉर्ट की आपका समय बचता है, आप इसे आधी एंट्री आप करके आ चुके हैं फिर आप बाहर जाए दिक्कत हो, तो यहीं पर ही Alt+C प्रेस करके आप कर लीजिए। हो सकता है काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता हो, लेकिन हाँ मेरा बताना मेरा फर्ज है कि हाँ जो फ्रेशर हैं, जो न्यू हैं, जो सीख रहे हैं, उनको एक बार ये ट्रिक मालूम पड़ जाए। तो यहाँ पे हम डिस्काउंट अकाउंट, एक तरह से हमारी ये इनकम हो गई, इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। मेंटेन बिल वाइज को नो करना है, यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है। टाइप ऑफ लेजर को नॉट एप्लीकेबल करना है, GST वगैरह इसका कुछ एप्लीकेबल नहीं है, आपको यहाँ पे सिंपली नो करना है और इसको आप सेव कर दीजिए। तो ये डिस्काउंट आ गया,
यहाँ पे आप 1000 रुपीज़। तो देखिए आप देख रहे हैं ये माउस का कर्सर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, सुरेश एंड कंपनी का अकाउंट यहाँ पे जीरो कर रहा है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं और इनके लेजर में तो हम हैं, वहाँ जा करके हम देख सकते हैं। तो एक तरफ से ये मिल हो गया। इसी एंट्री को, इसी डिस्काउंट को हम अगर साथ में करना चाहिए तो क्या जनरल वाउचर को मुझे बताना था आप करते हैं कि हम कैसे करते हैं, इसीलिए मैंने आपको अलग एक सेपरेट एंट्री करी है। लेकिन हम पेमेंट के साथ ही डिस्काउंट अप्लाई करें तो वैसे वो भी हम कर सकते हैं, वो पेमेंट के वाउचर में आ जाएगा। तो इसको फिलहाल हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे हम 20,000 वाले कॉलम में आ गए। आप यहाँ पे सुरेश एंड कंपनी को 21 से ही डेबिट कीजिए, यहाँ पे 21,000 से डेबिट कर दीजिए। पेमेंट आप 20,000 ही दिखाइए, रिमेनिंग अमाउंट को आप डिस्काउंट पे ले जाइए। तो ये आपकी एक शॉर्टकट में एंट्री हो गई, वहीं से आपको सेपरेट करने की भी नीड नहीं है। आप सेपरेट करना चाहें सेपरेट कर सकते हैं, आप यहाँ करना चाहें यहाँ भी कर सकते हैं। समटाइम्स क्या होता है, हम पेमेंट कर देते हैं लेकिन डिस्काउंट बाद में देखते हैं, मंथ एंड में हम दे देंगे एक साथ। तो आप चार पांच जो भी आपके पार्टीज के नाम होंगे या सब बायर होंगे, सेलर होंगे, सप्लायर होंगे, तो उनको आपको जैसे किसी किसी को नहीं अपन पेमेंट करते हैं 21,000 के, 50 किसी का बिल है तो हमने उनको 21,000 रुपये दे दिया, 50,000 पर उन्होंने पूछा ना हमने बताया ऐसा कुछ, तो हम उसको डिस्काउंट में ले लेते हैं। तो मंथ एंड में हमें डिस्काउंट की एंट्री पास करनी है। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमको सीधे नाम लेते जाने हैं जितने भी हैं, उनका अमाउंट यहाँ पे डालना है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर दूसरा कोई लेजर होगा उसका नंबर सबको डेबिट कर देना है और फिर उसका जो भी टोटल आ जाएगा वो डिस्काउंट में डाल देंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये तो हो गई बल्क एंट्री डिस्काउंट की, मंथ के एंड में, ईयर एंड में, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले 31 मार्च को जब हम बुक्स फाइनलाइज करते हैं तो ये एडजस्टमेंट तब कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका, दूसरा ये कि अगर हम किसी को लोन देते हैं तो हमने, सॉरी लोन लेते हैं तो हमने एक्स से लोन लिया हुआ है 1 अप्रैल 2021, इसको यहां पे हम नाम दे देते हैं एक्स एंड एंड कंपनी, हमने इनसे लोन लिया हुआ है 5 लाख रुपए का एग्जाम्पल, यहां हम करेंगे इनको, ये अनसिक्योर्ड लोन है, हमने लोन लिया हुआ है अनसिक्योर्ड लोन में आएगा। अगर बैंक से लोन लिया हुआ होता तो सिक्योर्ड लोन में आता, अनसिक्योर्ड लोन्स एंड लाइबिलिटी, यहाँ पे बिल वाइज को नो करना है, हमें यस करने की नीड नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, नथिंग 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 नथिंग, कुछ भी नहीं करना। पार्टी का एड्रेस, वो कहाँ रहते हैं, क्या है, किस स्टेट से, सब आपको अपने हिसाब से डालना है। कंट्रोल ए कर देते हैं, ये सेव हो गया। अब हमने इनसे 5 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, हमारे बैंक में आए थे पैसे, ये एंट्री की तरफ से हो गई, लोन लिया, रिसिप्ट की एंट्री हमने कर दी। रिसिप्ट की एंट्री करने के बाद अब 30th अप्रैल को आपको उनको लोन पे करना है, लोन पे इंटरेस्ट पे करना है। तो यहाँ तो एक तरीका ये है कि आप इनको पेमेंट कर दीजिए सीधा, इंटरेस्ट का देख लेते हैं अकाउंट बना हुआ है या नहीं, तो पेमेंट करेंगे हमारे यहाँ से पैसा जाएगा पेमेंट, तो आप इंटरेस्ट ऑन लोन का एक अकाउंट बना दीजिए, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अकाउंट कर दीजिए, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट कर दीजिए, आपकी मर्जी, कुछ भी लिख सकते हैं आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। ये इनडायरेक्ट हो गया, यहाँ पे नो होगा, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आएगा, नॉट एप्लीकेबल से कितना परसेंट आपका है, जो भी आपकी काम, मान लीजिए 8% पर एनम है डिवाइड बाई 12.666 है, तो 5,123,45 × 0.667% कितना हो गया 3,333। ये एक तरह से आपका इंटरेस्ट का मंथली। अब यहाँ तो इनको पे करें बैंक से, एंट्री क्लियर, हमने अप्रैल का रेंट इंटरेस्ट पे कर दिया, ठीक है, ये एंट्री हो गई। और अगर नहीं तो इसको करते हैं डिलीट। ये एक पार्टी कहती है कि नहीं हमें तो आप ईयरली एंड में दे देना, लेकिन हमें ड्यू करना है मंथली, क्योंकि खर्चे दिखाने हैं एवरी मंथ, तो हम तो ड्यू करेंगे, तो उसके लिए आपको जेबी पास करनी है। फिर यहाँ पे आप इंटरेस्ट को ड्यू कर दीजिए, कितने रुपए से था 3,333, सेम जिनसे हमने लोन लिया था एक्सन कंपनी, इनको क्रेडिट कर दीजिए। तो इनका देखिए 5 लाख का जो अमाउंट ड्यू था, जो पे करना है, वो अब 5,33,333 रुपये हो गया,
तो ऐसे करके आप यहाँ नरेशन में लिखना चाह सकते हैं इंटरेस्ट फॉर द मंथ ऑफ जून और सॉरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। तो एक था ऐसे कि हम जर्नल एंट्री को कहाँ दूसरा क्या यूज कर सकते हैं। तीसरी तीसरी कंडीशन ये, अगर हम हमारे पास दो लेजर हैं, एक ही पार्टी के हमने गलती से दो लेजर बना दिए हैं, या पार्टी को छोड़िए हम एग्जांपल ले लेते हैं खर्चों पे कि हमने एक एक्सपेंसेस का अकाउंट बनाया हुआ है शॉप एक्सपेंसेस, हम यह बना देते हैं यहाँ पे आप 5,000 रुपये डाल दीजिए कैश में दिखा देते हैं। दूसरा हम बना देते हैं रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली हमारी एक शॉप होगी वहां पे खर्चा भी होगा खाना पीने का डेली के 500 रुपए। पेमेंट कर कैश के पेमेंट भी जाएगा। अब हमने एक और बना के रखा है फूड एक्सपेंसेस, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूं कि हम जेवी का कहां यूज कैसे कैसे कर सकते हैं। 500 रुपए एक सिंपल एंट्री ले रहे हैं अपन जिससे आपको आइडिया लग जाए। अब आप देखिए रिफ्रेशमेंट अकाउंट और फूड अकाउंट दोनों सिमिलर हैं इधर आप, लेकिन आपने गलती से दो बना दिए हैं तो हमें लास्ट में मालूम पड़ता है या हम कुछ 15-20 एंट्रीज करने के बाद हमें क्लिक होता है अरे यार ये तो अकाउंट ऑलरेडी मेरा बना हुआ है तो मैं दोबारा क्यों बना रहा हूँ। तो उसके लिए आप जेवी पास कर सकते हैं जनरल वाउचर। आप चाहते हैं कि एक ही अकाउंट मुझे रखना है तो आप रिफ्रेशमेंट वाला रख लेते हैं। तो रिफ्रेशमेंट वाले को डेबिट, यहाँ पे आपको फूड को करना होगा डेबिट, मतलब जो फूड के लेजर अकाउंट में 500 रुपये पड़े हुए हैं वो यहाँ से हो जाएं, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस को आपको यहाँ पे करना होगा और यहाँ पे इसको करना होगा डेबिट 500 से, और जो फूड एक्सपेंसेस था वहाँ पे आपके 500 रुपये पड़े हुए थे तो वो 500 रुपये वहाँ से वो कर। तो ऐसे आपका ये रिफ्रेशमेंट अकाउंट हो गया 1000 से, फूड एक्सपेंसेस अकाउंट हो गया आपका 0। तो जर्नल वाउचर जर्नल एंट्री टैली के अंदर आप किसी इंटरनल लेजर को जीरो राइट ऑफ एडजस्ट करना चाहते हैं वहां आपको जर्नल वाउचर की एंट्री करनी होती है। दूसरा एक जर्नल वाउचर का जहां पे पेमेंट के लिए कैश और बैंक डेबिट या क्रेडिट नहीं होते हैं वहां हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जनरल वाउचर का यूज़ क्या है मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मेहनत करके एक वीडियो बनाया है तो एक लाइक तो बनता ही है आपकी तरफ से, तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करना चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय।